नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। वित्त मंत्रालय ने बड़ा फैसला किया है। वित्त मंत्रालय ने कपास के आयात पर 30 सितंबर तक सीमा शुल्क माफ करने का ऐलान किया है। मंत्रालय के इस फैसले से न केवल कपड़ा उद्योग को फायदा होगा बल्कि उपभोक्ताओं को भी कम कीमत पर कपड़ा मिलेगा। वित्त मंत्रालय के इस फैसले के बाद कपड़ा व्यापारियों में खुशी का माहौल है। वर्तमान में कपास के आयात पर 5% मूल्य सीमा शुल्क और 5% कृषि अवसंरचना विकास उपकर लगता है। कपड़ा व्यापारी लगातार घरेलू कीमतों को कम करने के लिए शुल्क में छूट की मांग कर रहे थे, जिसके बाद वित्त मंत्रालय ने ये फैसला किया। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि CBIC ने वित्त मंत्रालय के फैसले के बाद कपास के आयात के लिए सीमा शुल्क और कृषि अवसंरचना विकास उपकर से छूट को लेकर अधिसूचना जारी की है। वही CBIC ने कहा कि ये अधिसूचना 14 अप्रैल 2022 यानी आज से प्रभावी होगी और 30 सितंबर 2022 तक ये लागू रहेगी। इस छूट से टेक्सटाइल चेन, सूत, कपड़े, गारमेंट्स और मेड ऐप्स को फायदा भी होगा। वहीं साथ ही उपभोक्ताओं को भी राहत मिलेगी। मंत्रालय ने कहा कि इस फैसले से कपड़ा निर्यात को भी बड़ा फायदा होगा। तो बड़ी खबर में अभी बस इतना ही, और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।